কামখিনি কৰি দিছো আৰু তেওঁলোকে মঞ্চৰ ওচৰত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। उसके आवाज और उसका जो लहजा लेना ना वो बहुत मुश्किल काम है। कोशिश करते हैं भाई और बहनों। वैसे आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? जैसे मैं आया तो कभी मुझे कुछ नया जानने मिला। मोदी साहब के हम सकल के दौर में भी आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा। मैं गुजरात से बिलिंग करता हूँ और खास करके हमारे दिलीप भाई के आग्रह पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत मजा आया। आसामी लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आके कोई गलती नहीं की है। सही में यहाँ के लोग बहुत भावपूर्वक है, प्रेमी है और कुछ मुझे अभी नया जानने को। जो आपके फेस्टिवल के बारे में बोलूँ तो मुझे हमारे गुजरात की नवरात्रि याद आ रही है। हमारे वहाँ 9 दिन का फंक्शन ऐसे होता है, नवरात्रि बोलते हैं उसको। माता जी का गरबा, डांडिया रास, उसकी आराधना, उसकी भक्ति ऐसा होता है रात के टाइम में। वैसे मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप जैसा ही समझ दो, पानी पूरी का धंधा करने वाला, लेकिन कुदरत ने मुझे गॉड गिफ्ट समझो कि मोदी साहब की शक्ल दी तो उसके हिसाब से, और मोदी साहब का जो मान सम्मान है, मोदी साहब के बारे में जितनी भी तारीफ करो, जितना भी उसका सम्मान करो, जितना भी उसका गुणगान करो, सब कम ही है। क्योंकि वो हस्ती ही ऐसी है और मुझे उनके हिसाब से मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके बगैर का मैं पग मेरा नहीं आ सकता। वो कहाँ की हस्ती है और मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। अगर मुझे शक्ल मिली है तो मैं अगर पैंट शर्ट में घूमूंगा तो आम पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मुझे मोदी साहब का गेटअप लेना पड़ा, क्योंकि शक्ल मिलती है तो गेटअप लेना ही पड़ेगा। वो उसके आवाज और उसका जो लहजा लेना ना वो बहुत मुश्किल काम है। कोशिश करते हैं भाई और बहनों। वैसे आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? जैसे मैं आया तो कभी मुझे कुछ नया जानने मिला। मोदी साहब के हम सकल के दौर में भी आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा। मैं गुजरात से बिलिंग करता हूँ और खास करके हमारे दिलीप भाई के आग्रह पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत मजा आया। आसामी लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आके कोई गलती नहीं की है। सही में यहाँ के लोग बहुत भावपूर्वक है, प्रेमी है और कुछ मुझे अभी नया जानने को। जो आपके फेस्टिवल के बारे में बोलूँ तो मुझे हमारे गुजरात की नवरात्रि याद आ रही है। हमारे वहाँ 9 दिन का फंक्शन ऐसे होता है, नवरात्रि बोलते हैं उसको। माता जी का गरबा, डांडिया रास, उसकी आराधना, उसकी भक्ति ऐसा होता है रात के टाइम में। वैसे मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप जैसा ही समझ दो, पानी पूरी का धंधा करने वाला, लेकिन कुदरत ने मुझे गॉड गिफ्ट समझो कि मोदी साहब की शक्ल दी तो उसके हिसाब से, और मोदी साहब का जो मान सम्मान है, मोदी साहब के बारे में जितनी भी तारीफ करो, जितना भी उसका सम्मान करो, जितना भी उसका गुणगान करो, सब कम ही है। क्योंकि वो हस्ती ही ऐसी है और मुझे उनके हिसाब से मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके बगैर का मैं पग मेरा नहीं आ सकता। वो कहाँ की हस्ती है और मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। अगर मुझे शक्ल मिली है तो मैं अगर पैंट शर्ट में घूमूंगा तो आम पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मुझे मोदी साहब का गेटअप लेना पड़ा, क्योंकि शक्ल मिलती है तो गेटअप लेना ही पड़ेगा।